सिकंदर की विजय यात्रा चालू थी। वह निकल पड़ा था अपने छोटे से राज्य मैसेडोनिया से पूरी दुनिया जीतने। उसने एथेंस जीत लिया। अभी अभी उसने यूनान को जीता ही था कि किसी ने उसको खबर दी कि यहाँ पास की ही नदी के तट पर डायोजनीज नाम का एक फकीर रहता है। कहते हैं बड़ा गजब का फकीर है, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो चुका है, पूरे दिन नग्न ही पड़ा रहता है नदी के किनारे। लोग कहते हैं कि बड़े से बड़े सम्राट भी उसके सामने फीके हैं। यह सुन सिकंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा क्या है उस फकीर के पास? लोगों ने कहा, यही तो मजे की बात है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, पूरे दिन नग्न पड़ा रहता है नदी के किनारे, फिर भी मस्ती से रहता है, आनंद में रहता है। सिकंदर ने कहा, फिर तो मैं भी उसे देखना चाहूँगा। सुबह सुबह सिकंदर उस नदी के किनारे पहुँच गया। सर्दी के दिन है, सुबह का समय है, चारों तरफ धूप निकली हुई है। नंगा डायोजनीज लेटा है रेत पे, उसकी आंखें बंद हैं, वह अपने ध्यान में मग्न है। सिकंदर जाकर खड़ा हो गया उसके सामने और डायोजनीज की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने आनंद में कैसे लेटे हुए हो? डायोजनीज ने कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो क्या तुम आनंद में हो? यह सुन सिकंदर कुछ पलों के लिए संदेह में पड़ गया। वह निःशब्द खड़ा रहा। पहले तो उसने सोचा कि बोल देता हूँ, हाँ बड़े आनंद में हूँ। फिर अनायास ही उसके मुंह से एक फीकी सी मुस्कान निकल पड़ी और उसने हंसते हुए कहा, ठीक कहते हैं आप, सब कुछ तो है लेकिन आनंद नहीं है। तो डायोजनीज ने कहा, फिर सब कुछ होने से आनंद के होने का क्या संबंध है? और अगर सब कुछ होने के बाद भी तुम ये देख पा रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिला, तब भी तुम दुनिया के और बड़े साम्राज्यों को जीतने जा रहे हो इस उम्मीद से कि तुम्हें आनंद मिलेगा, फिर तो तुम इस दुनिया के सबसे पागल इंसान हो। बात को टालने के लिए सिकंदर अपने चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान ले आया। डायोजनीज ने कहा, देखता हूँ कई दिनों से सड़क से बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं, हजारों सैनिक जा रहे हैं, कहाँ के लिए निकले हो? क्या इरादा है तुम्हारा? सिकंदर ने कहा, पहले मध्य एशिया को जीतूंगा, फिर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान को जीतना है, फिर सारी दुनिया जीत कर वापस लौटूंगा। डायोजनीज ने कहा, फिर उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, बस आखिर में सब जीत कर आराम करना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से आराम करना चाहता हूँ। यह सुन डायोजनीज ने जोर से आवाज़ लगाकर अपने कुत्ते को बुलाया, जो उसकी कुटिया के भीतर आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा, सुन इधर आ, यह सब देख। सिकंदर तो बहुत हैरान रह गया। डायोजनीज का कुत्ता भागा हुआ आया। डायोजनीज ने अपने कुत्ते से कहा, तूने कभी कोई पागल देखा है? नहीं ना, तो ये देख ले। उसने सिकंदर की तरफ इशारा किया। डायोजनीज ने कहा, ये सिकंदर है, यह कह रहा है सारी दुनिया जीत लूँगा तब आराम से रहूँगा, और हम दोनों यहाँ बिना दुनिया को जीते ही आराम से रह रहे हैं। हमने बड़ी गलती कर दी, हम भी पहले दुनिया जीत लेते। यह कहकर डायोजनीज जोर जोर से हंसने लगा। डायोजनीज को देखकर उसका कुत्ता भी ऊपर नीचे सिर हिलाने लगा। सिकंदर को लगा जैसे डायोजनीज और उसका कुत्ता दोनों ही उस पर हंस रहे हों, उसकी मूर्खता पर हंस रहे हों। डायोजनीज ने कहा, अगर तुम्हें आराम से ही रहना है तो मैं इस बात का सबूत हूँ कि बिना दुनिया जीते और बिना किसी संसाधन के भी आनंद में रहा जा सकता है। मैं तो बिल्कुल आनंद में ही जी रहा हूँ, फिर तुम भी आ जाओ, मेरा झोपड़ा काफ़ी बड़ा है, इसमें हम तीनों बड़े आराम से रह सकते हैं, तुम भी आराम करो, आओ और आकर लेट जाओ मेरे बगल में आराम से। सिकंदर ने कहा, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं तुम्हारी तरह नदी के किनारे नग्न पड़ा रह सकूँ। लोग कहते हैं कि सिकंदर दुनिया का सबसे साहसी इंसान है, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि डायोजनीज इस दुनिया का सबसे साहसी इंसान है। सिकंदर में इतना साहस नहीं कि वो डायोजनीज बन सके, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं सिकंदर नहीं बल्कि डायोजनीज बनना चाहूँगा, ताकि मुझ में भी इतना साहस आ सके कि मैं नग्न अवस्था में किसी नदी के किनारे बिना किसी चिंता के पड़ा रह सकूँ और उस आनंद को भोग सकूँ जिसे अभी तुम भोग रहे हो। डायोजनीज ने कहा, लेकिन ये तुम इसी जन्म में कर सकते हो, अभी कर सकते हो। सिकंदर ने कहा, लेकिन बीच से कैसे लौट सकता हूँ, अभी तो जाना ही पड़ेगा, अब तो निकल ही चुका हूँ दुनिया जीतने, अब तो जीतनी ही पड़ेगी। यह सुन डायोजनीज जोर से हंसा और बोला, दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और जिसे लौटना हो आधे रास्ते से ही लौटना पड़ता है, क्योंकि जब जिंदगी का सफ़र शुरू होता है तो समझ नहीं होती, और जब सफ़र पूरा हो जाता है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए आज तक जो भी लौटा है
बीच रास्ते से ही लौटा है। और क्या भरोसा, जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी ना हो तो तुम आ ही ना पाओ। सिकंदर ने कहा, नहीं ऐसा ना होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लौटते वक्त फिर मिलूँ। डायोजनीज सिकंदर की तरफ इशारा करते हुए अपने कुत्ते से फिर कहने लगा, ध्यान रखना, ये अपन से वादा कर रहा है। हालांकि इंसान के वायदे का क्या भरोसा, आज है कल मौत आ जाए, क्या भरोसा, लेकिन इसे लग रहा है कि सब कुछ इसके हिसाब से ही चलेगा। सिकंदर ने कहा, मैं बहुत खुश हुआ आपसे मिलकर, आपको कभी भुला ना पाऊंगा, इतना हिम्मत वाला और निर्भीक आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। डायोजनीज अभी भी आराम से लेटा हुआ है, सिकंदर उसके सामने खड़ा है। सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं एक सम्राट हूँ, मेरे पास सब कुछ है। डायोजनीज ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मेरे लिए करने को कुछ बचा ही नहीं, बस मुझ पर एक कृपा करो, थोड़ा धूप छोड़कर खड़े हो जाओ। मस्त धूप आ रही थी लेकिन तुम बाधा बनकर खड़े हो गए, बस इतनी सी कृपा करो कि थोड़ा सा किनारे हो जाओ और मुझ पर धूप आने दो, और ध्यान रहे कि किसी बेचारी की धूप मत छीन लेना। तुम आदमी बड़े खतरनाक मालूम पड़ते हो, तुम किसी की भी धूप छीन सकते हो, तुम्हारे हाथ में तलवार है बड़ी खतरनाक। सिकंदर ऊपर से हंसता हुआ लेकिन भीतर से रोता हुआ वहाँ से विदा ले लिया। डायोजनीज की बातों ने तो उसके दिल पर चोट कर ही दी थी, अंदर घाव तो हो ही गया था, बात तो चोट खा ही गई थी उसे कि एक नंगा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है वह आनंद को उपलब्ध हो गया, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी है। उसके मन में इस बात की बड़ी पीड़ा थी। सिकंदर मन में रोता हुआ मगर ऊपर से हंसता हुआ लौट आया। उसके सेनापतियों ने उससे कहा कि उसकी हंसी आज बड़ी झूठी मालूम पड़ रही है। फिर सिकंदर ने पूरा मध्य एशिया जीता, राजा पोरस से उसका एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ, उसके बाद वह अकूत संपदा लेकर लौटा। सोचा था लौटते वक्त डायोजनीज से जरूर मिलूंगा, पर ऐसा ना हो सका। लौटते वक्त रास्ते में ही बेबीलोन नाम के शहर में रहस्यमय ढंग से सिकंदर की मौत हो गई। हम में से भी बहुत से लोग बाहर की खोज की यात्रा पर निकलते हैं पर रास्ते में ही चुक जाते हैं, कभी भीतर तक पहुँच नहीं पाते। सिकंदर भी नहीं पहुँच पाया था। मरते वक्त उसे भी डायोजनीज का ख्याल तो हुआ ही होगा कि कहा था उस नंगे फकीर ने कि पता नहीं लौट पाओ या ना लौट पाओ, इसलिए अभी आराम कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब उसका कुत्ता और वह दोनों हंस रहे होंगे कि देखो सिकंदर नहीं लौट पाया। बड़े घमंड से कह रहा था कि वचन देता हूँ लौट कर जरूर आऊँगा, लेकिन संयोग की बात थी कि जिस दिन सिकंदर मरा उसी दिन घंटे भर बाद डायोजनीज और उसका कुत्ता भी मर गया। पुरानी यूनानी कहानियों में कहा जाता है कि मरने के बाद उन दोनों का वैतरणी के किनारे स्वर्ग में प्रवेश करते वक्त फिर मिलन हो गया। सिकंदर आगे हैं क्योंकि वह आधे घंटे पहले मरा है, पीछे डायोजनीज है जो कि घंटे भर बाद मरा है। डायोजनीज नंगा था जब सिकंदर उससे पहली बार मिला था और सिकंदर कीमती वस्त्रों और आभूषणों से ढका हुआ था, लेकिन आज सिकंदर भी नंगा है, डायोजनीज तो पहले से ही नंगा था। सिकंदर ने पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा, यह तो डायोजनीज था। वह डर गया यह सोचकर कि मैं भी नंगा ही खड़ा हूँ, यह आज फिर हंसेगा मुझ पर, उसने तो उसी दिन कहा था यहीं बैठ जाओ जगह काफ़ी है। आज सिकंदर को देख डायोजनीज फिर ज़ोर से हंसा, अपने डर को छिपाने के लिए सिकंदर भी बनावटी हंसी हंसा। उसने ज़ोर से हंसने की कोशिश की लेकिन वह ना हंस सका। सिकंदर ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम डायोजनीज हो, कितनी खुशी की बात है कि एक बादशाह से एक फ़कीर मिला, वो भी बैतरणी पर, इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। यह सुन डायोजनीज जोरों से हंसने लगा। उसने कहा, ठीक कहते हो लेकिन एक भूल कर रहे हो, भूल इस बात की कर रहे हो कि तुम अभी भी यह नहीं पहचान पा रहे कि कौन बादशाह है और कौन फ़कीर। बादशाह पीछे है, फ़कीर आगे है। सिकंदर ने देखा वह आगे था और डायोजनीज उसके पीछे। डायोजनीज ने कहा, कहाँ है तुम्हारा धन, कहाँ है वो वस्त्र जो तुम मेरे पास पहन कर आए थे, तुम लेकर क्या आए हो, सब कुछ तो खोकर ही आए हो। लेकिन मैं कुछ भी खोकर नहीं आया, क्योंकि अंत में जो कुछ भी खोया जा सकता था वो मैंने पहले ही छोड़ दिया था, मेरे पास केवल बचा ही वही था जिसे खोया नहीं जा सकता था। लेकिन तुमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इकट्ठा ही वही किया है जो खोने के लिए बना है। कहाँ है तुम्हारे महल, कहाँ है तुम्हारे सैनिक, कहाँ है तुम्हारा जीता हुआ भूभाग, तुम भी नग्न ही खड़े हो। यही सोचकर हमने वो सब पहले ही छोड़ दिया था जो छूट सकता था। उस दिन तुमने सोचा होगा कि इस भिखारी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने तो बचाया ही वही था
जो अंत तक हमारे साथ रहे, याद रहे। जो चीज़ छूटने के लिए बनी है, जब वह अपने समय पर छूटती है तो बहुत दुख देती है, लेकिन यदि उसे समय से पहले ही छोड़ दिया जाए तो सुख देकर जाती है। सिकंदर चुपचाप डायोजनीज की बातें सुन रहा था। अंत में उसने कहा, जैसे कि मैंने अपनी पहली मुलाकात में कहा था कि अगले जन्म मैं डायोजनीज बनना चाहूँगा, सिकंदर नहीं। इसके बाद सिकंदर पीछे मुड़ जाता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है, और डायोजनीज वहीं खड़ा खड़ा सिकंदर को जाते हुए देखता रहता है। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।